अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रात के बचे हुए चावल से बेहतरीन नाश्ता। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखते हैं कि रात के बचे हुए चावल से भी हम अच्छे से टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे रात के बचे हुए चावल हैं, तो हम इससे बनाते हैं बेहतरीन सी रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले हमने कटोरी यहाँ रात के बचे चावल लिए हैं, जिन्हें हम हल्का सा पीस लेंगे। यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, जैसे पालक, अदरक, प्याज, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ लहसुन। थोड़ा सा मैंने यहाँ नमक लिया है, थोड़ी सी लिए चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा इसे और टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है, साथ ही मैंने लिया है एक कटोरी आटा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पर हमने चावल को हल्का सा पीस लिया, हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का सा इसे पीस। और ये बाउल में हम इसे कर लेंगे ट्रांसफर। इसके बाद सारी सब्जी हम इसमें डाल देंगे, मसाले भी हम इसमें डाल देंगे, साथ में हम इसमें जो एक कटोरी आटा है उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको एक डो बना लेंगे, ताकि सभी मसाले इसमें अच्छे से। अभी हाथों में ऐसे चिपक सा रहा है, तो हम इसमें यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल डालने के बाद हम इसका एक डो बना लेंगे। मेथी दाना, अजवाइन, और यहाँ हमने तवे पर ऑयल लगा लिया है। हमें इसको इतना ही फैलाना है, हमें इसे ज़्यादा नहीं फैलाना, और एक तरफ से हमें इसे ऐसे कुरकुरा होने देंगे। बनाते टाइम बिल्कुल अपना फ्लेम जो है वो लो ही रखना है। बहुत एहतियात के साथ अब हम इसे ऐसे पलट देंगे और इस पर लगा देंगे ऑयल, और दूसरी तरफ से भी हम इसे ऐसे पलट देंगे और इस पर ऑयल लगा देंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसे ऐसे ऑयल लगा देंगे और इसे अंदर तक पक जाने देंगे। पराठा सा लग रहा है, और ये बिल्कुल कितना कुरकुरा हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आज से पहले कभी आपने ऐसी टेस्टी रात के बचे हुए चावल की रेसिपी नहीं देखी होगी, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ऐसे और इसी तरीके से हम सारे पराठे कर लेंगे रेडी। तो हम बना लेते हैं चटनी। चटनी बनाने के में मैंने हरा धनिया, लहसुन, अदरक और लिया है मिर्च। चटनी भी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। रेडी हो चुका है, आप चाहें तो इसको इसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे अपने शेप के अकॉर्डिंग काट लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा टेस्टी सा मज़ेदार सा नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। रात के बचे हुए चावल से रेडी किया है। अगर आपके घर में कुछ नहीं है और झटपट आप चाहते हैं बनाना नाश्ता, तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में भी बहुत ही शानदार है, तो खाएं खिलाएं इंजॉय करें। तो यहाँ हमारा टेस्टी कुरकुरा मज़ेदार सा नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे पराठे भी बनाकर खा सकते हैं, और आप चाहें तो अपने शेप के अकॉर्डिंग भी इसे कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।